दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर मैं आपके बीच में आया हूँ, विशेषकर इसलिए आया हूँ कि मेरे साथियों तक पूरी सच्चाई पूछे, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने डाला था उसके बावजूद भी कई लोगों ने आपको भ्रमित करने की कोशिश की। हालांकि बीकानेर से एक बहन का और कई जगह से कई भाइयों का फोन आया था कि इन अफवाहों पर आप ध्यान न दें, लेकिन आपको पता है किसी के बाप से डरता नहीं, उसी ना ठोके काम करते हैं हम तो दरअसल पे काम करने वाले। लेकिन मेरे साथियों तक फैक्ट और सही न्यूज उन तक पहुंचे कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों मैंने हालांकि बताना कभी उचित नहीं समझा, लेकिन आज जरूर आपको बता दूं, कुछ लोग हैं, चार पांच लोग हैं, आज से नहीं, वो करीब 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि वो मुझे बदनाम करके कैसे भी आप लोगों से दूर करने की। उन लोगों की पहली योजना थी कि मुझे फंसाया जाए कोई अवैध हथियार या नशीले पदार्थों में। जैसे ही मुझे पता चला उनके साथियों ने कहा, तो मेरे ऑफिस में मैंने कैमरे लगा दिए। उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीका अपनाया, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाए। इस दौरान आपने देखा होगा बेरोजगार दिवस के दिन भी उन्होंने केवल मुझे टारगेट करने की कोशिश की। मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बनाया गया तब भी मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया किसी पार्टी के खिलाफ भी, क्योंकि उस समय बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बनाया गया, इस बार राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन उस समय भी मैंने कोई कमेंट राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के लिए नहीं किया, न राज्य रोजगार दिवस के लिए नहीं किया। एक लोगों ने मेरे एक ग्रुप का स्क्रीनशॉट वायरल किया, उसको लेकर आप लोगों को गुमराह कर रहे, देखो पेन यादव तो जिंदाबाद बोल रहा आपके साथ नहीं था। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि वो पंचायत राज एलडीसी भर्ती का ग्रुप था जिसमें मैं एड था, और मैंने कहा, उन्होंने एक हैशटैग चला रखा था कि डोटासरा जी कल्याण करो, तो मैंने कहा इसको चेंज करो, आपको डोटासरा जी जिंदाबाद। वो इसलिए कहा दोस्तों, 10,029 पदों की पंचायत राज एलडीसी भर्ती है, उसमें सारे अधिकारी जो इससे संबंधित है, 2-3 अधिकारियों ने साफ मना कर दिया भर्ती नहीं हो पाएगी। लेकिन उस भर्ती को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी समिति में उन्होंने मजबूती से बात रखी, उस भर्ती को जिंदा रखा, यानी कि 10,029 परिवारों के पक्ष में उन्होंने बोला, और उस भर्ती का फैसला जल्द से जल्द हो, इसलिए उन पदों को उन परिवारों को बचाने के लिए मैंने ये बोला। ना कि मैंने रीड के ग्रुप पे बोला, ना कि मैंने कहा कि आप सब जगह बोलो, लेकिन जो मेरा सवाल लोगों ने कहा कि उपेन यादव जिंदाबाद बोल रहा है, उपेन यादव शिक्षा मंत्री जी की होर्डिंग्स लगा रहा है, उपेन यादव बेरोजगार दिवस के दिन ट्वीट नहीं कर रहा, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वो घर से नहीं निकलते, नहीं माननीय मुख्यमंत्री से मिलते, नहीं शिक्षा मंत्री से मिलते, मंत्री जी तो उनसे मिलते भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के जो कार्य पूर्व किए गए वो खुद भी जानते हैं कि किस मुद्दे उनके सामने जाए। लेकिन दोस्तों मैं एक संगठन चलाता हूँ और संगठन का मुखिया हूँ, तो मुझे हर व्यक्ति की बात रखनी पड़ती है। रीड 2018 की एक और सूची जो लेवल फर्स्ट और सेकेंड की जारी हो रही है, आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाई है। मेरे कुछ साथी थे जिनके मुकदमे दर्ज है, राजस्थान पुलिस में वो नौकरी लगे तो उनको हटा दिया गया, उनके आदेश अठाने के हो गए हैं, मेरे पास कॉपी है जिसको चाहिए मैं भेज दूंगा। उसके अलावा जो थर्ड ग्रेड के टीचर लगे हुए थे 2013 में, उनमें से 56 लोगों में से 20 लोगों के मुकदमे वापस हो चुके, उसमें शिक्षा मंत्री जी की अहम भूमिका रही थी। वेटेज के लिए उन्होंने अपना वादा निभा रहे हैं, अब जो लेवल 2 और फर्स्ट की सूची निकाल रहे हैं, सेकेंड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग दी है, तो अधिकतर मांगे उन्होंने मानी है। तो कई लोग चाहते हैं कि मैं उनके खिलाफ बोलकर और भी जो मांगे मिलकर होने वाली नहीं हो पाए। दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नवंबर 2019 में 25 नवंबर को मैं जेल नहीं गया आप लोगों के लिए, 6 अक्टूबर को अनशन में बैठा, और क्यों नहीं अनशन में बैठा, और 12 नवंबर को मेरा अनशन टूटा, तो किसके लिए गया? लगातार हमने प्रयास किया, जेल भी गए, धरना प्रदर्शन भी किया, जब हमारी मांगे मानी जा रही है, जब क्योंकि आप चाहते हो मैं किसी भी बेरोजगार के भविष्य पे लात नहीं मार सकता, जब वो हमारा काम करे। मान लीजिए आप रीट की घोषणा हो जाती और दूसरी भर्ती के लिए आते, मैं आपके साथ कैसे गलत करता? यानी कि आप मेरे से काम कराना चाहोगे और आप मेरे कार्यालय आओगे तो मैं आपको घुसने दूंगा क्या यार? जब उन्होंने इतनी मांगे पूरी की, तो मेरा फर्ज बनता है कि कम से कम पक्ष में नहीं बोलूं तो खिलाफ तो नहीं बोलूं। हम मैं रीट 2020 को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, 2 सितंबर को भी प्रयास किया, मीडिया के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया के प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग परेशान हैं, दुखी हैं, मैं खुद व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी से मिलकर फिर भी एक बार उनसे निवेदन करूंगा
कि इनकी मांग यही है कि रीट की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, वेटेज 90-95 जो वो कम से कम लोगों को पता चले, और कम से कम परीक्षा तिथि जारी हो जिससे लोग तैयारी कर सके। लोग कंफ्यूज है क्योंकि मान लीजिए फरवरी में एग्जाम होती है तो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, फरवरी के बाद होती है तो कम से कम जो पटवारी की एग्जाम है जनवरी में वो लोग पटवारी की तैयारी कर, कंफ्यूज है राजस्थान पुलिस की तैयारी कर, क्योंकि 3-4 जो भर्ती आगे पीछे है तो लोग कंफ्यूज है क्योंकि एक ही भर्ती में लगना चाहते हैं। मान लीजिए फरवरी में रीट की होती है तो लोग टीचर की तैयारी करेंगे, अगर फरवरी नहीं होती जून जुलाई अगस्त तक जाती है तो वो लोग पहले पटवारी की और राजस्थान पुलिस की करेंगे, बाद में वो रीट की कर सकते हैं, तो वो कन्फ्यूज है। ये चीज मैं माननीय मुख्यमंत्री तक और शिक्षा मंत्री से मिलकर आपकी बात रखूंगा। दोस्तों गुर्जर समाज ने भी आंदोलन किया, बेहतर लोग शहीद हुए लेकिन वार्ता वो भी करने आए, और वार्ता में आज आपको पता है कि उनको 5% आरक्षण मिला, वार्ता तो करना पड़ता है। हमने भी धरने प्रदर्शन किए, जेल गए, लाठी खाई, मुकदमा दर्ज, वार्ता करनी पड़ी। आप इन लोगों की बातों मत आइए, आपने देखा होगा एक दिन बेरोजगार दिवस मना दिया उसके बाद क्या हुआ, आपका मामला ठंडा, कोई आपके पक्ष में बोल रहा है क्या, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये किसी को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि देखो भूपेन यादव जिंदाबाद बोला, ये नहीं पता कि ये जिंदाबाद कौन से ग्रुप में बोला था और 10,029 परिवारों के लिए बोला था। किसी को कह रहे हैं कि वो तो BSTC पास नहीं, व्यक्तिगत पता नहीं छोटी छोटी क्या बातें बोले, दस्तावेज पता नहीं कौन से फर्जी है, पता नहीं क्या क्या उनको फोन करके बता रहे हैं, वो लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं दोस्त ऐसे फोन आ रहे, तो मैंने कहा उनको कहो मुकदमा दर्ज करें, मेरे कोई भी दस्तावेज फर्जी हो तो मुकदमा दर्ज करो, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो वो एक लोगों को फोन कर करके गुमराह कर रहे। सबसे बड़ा मुझे खुशी, कई लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि दोस्त सॉरी हमने आपके लिए गलत सोचा, गलत ट्वीट किया, आपके लिए गलत बोला, लेकिन जब हमें पता चला हमारे अग्रज हमारे साथियों से हमारे पड़ोसियों से कि आज हमारी ज्वाइनिंग हुई है भूपेन भाई की वजह से, तो वो लोग मुझे फोन करके अपनी गलती मान रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बीकानेर से एक बहन का फोन आया, उसने बताया, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना, लेकिन मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूं, उन छछुंदरों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनमें दम तो आ जाए। आज तक वो 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, उनके किसी से डरा नहीं, सीना ठोक के काम किया, काम करके आज लोगों के दिल में हूं, वो कभी नहीं निकाल पाएंगे। वो कह रहे थे ना कि इनके फॉलोअर ट्विटर पे पेशू कम हो, आज 1,52,000 हो गए, फिर बढ़ गए, उस दिन 50,000 थे 1,00,000, अब 2,000 बढ़ गए, तुमसे कम नहीं होगा ये, कुछ भी कर लो। और वो प्लानिंग और कर रहे हैं कि भूपेन यादव के खिलाफ एक ट्विटर अभियान और चलाया जाए। ये मेरे दोस्त हैं, आप इनको कम समय तक आप गुमराह कर सकते हो, भ्रमित कर सकते हो, लेकिन समय अंत इनके पास सच्चाई सामने आ जाएगी। आज भी मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से हम ही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रीट की विज्ञप्ति जारी हो, तमाम भर्तियों के लिए, तमाम बेरोजगारों के लिए कोशिश हम कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो LDC पंचायत राज 2013 हो, चाहे NM भर्ती 2013 नर्सिंग भर्ती वो हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, चाहे स्कूल व्याख्याता भर्ती हो, चाहे रीट शिक्षक भर्ती हो, चाहे रीट 2018 की एक और सूची का मामला हो, तमाम प्रयास हमने किए। LDC 2018 जो 587 जो पद जोड़े गए हैं और बढ़ गए, उसमें भी 25 फरवरी को सबसे पहला धरना हमने दिया, लगातार उन लोगों का साथ दिया और आज उनको सफलता मिली है। दोस्तों इन लोगों की आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई, ये लोग न तो सामने जा सकते, ये लोग जानबूझकर, क्योंकि ये मिल तो सकते नहीं, इनको एक माध्यम मिल गया ट्विटर पे हम करें, और साथ में भूपेन यादव को कैसे निपटाया जाए। भाई मेरा क्या होगा यार, मैं घर बैठ जाऊंगा, नुकसान आप लोगों का होगा, क्योंकि मैं कई लोगों का आइडिया देखता हूँ, नहीं जो BSTC BEd करके आए मेरे दोस्त, उल्टा सुलटा गाली गलौज आज भी मेरी पोस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि मेरे अलावा आपकी आवाज कौन उठा रहा है। 2 सितंबर को जयपुर में इकट्ठे होकर आवाज उठाई, अभी थोड़े दिन पहले मैंने बुलाया, ट्वीट किया कि सुबह, उस दिन भी मीडिया में आवाज उठाई, आज भी आपने आज का न्यूज़पेपर देखा होगा, रीट की बड़ी खबर लगी, आपकी आवाज उठा रहे, हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति की आवाज हम उठाते हैं। अरे आप सच्चाई जानना चाहो तो वो एक मैंने मूवी बनाई थी, उस मूवी में पैसे तो खर्चे होंगे ना एक सिस्टम के खिलाफ, वो भी आप देखिए, था देखिए सारी चीज सरकार तक बात पहुंचाने के लिए मूवी भी बनाई थी 2016 में। लगातार धरना प्रदर्शन अनशन, सबसे ज्यादा अनशन, कितने मुकदमे, कितनी लाठियां गई आप लोगों के लिए, कम से कम आप समझिए, आप लोग ताकत हो मेरी, आप जितना मेरा सहयोग करोगे उतनी मुझे हौसला बढ़ेगा। इन छछुंदरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन छछुंदरों के जंजाल से आपको बाहर निकलाना चाहता हूं, इनसे बचकर रहे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग आपको फोन करके भ्रमित करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कहा था इतना ही दम है तो मेरे सामने आके बैठे बातचीत करें, जवाब दे, मैं हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन वो स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे थे कि देखो जिंदाबाद बोल रहा, बेरोजगार दिवस में हमारा साथ नहीं दिया। हमने मान लीजिए बेरोजगार दिवस मना लिया, ट्रेंड हो गया, कुछ हो गया क्या उससे, कुछ हो गया क्या उससे? ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है सिस्टम के खिलाफ। और जिस दिन आज वर्तमान में जिस प्रकार कार्य हो रहे हैं,
मैं मुझे विश्वास है मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, शिक्षा मंत्री से मिलूंगा, आपकी पीड़ा रखूंगा मैं। जो काम बातचीत से हो, जो काम मिलने जुलने से हो, उसके बजाय धरना प्रदर्शन, जो मुकदमे दर्ज हो, लाठीचार्ज हो, उससे बचकर रहना चाहिए। क्योंकि कई लोगों के, जब मैं उन लोगों के माता पिताओं के जब फोन आते हैं वो रोते हैं, जब उनकी माँ से देखता हूँ ना कि मेरे बच्चे को नौकरी से निकाल दिया। 2013 2018 जो सेकंड रीट लेवल 2 से फर्स्ट वाले हैं उनके लिए हमने अनशन किया, लाठ है। आज वो सोची आगे, ये क्या चाहते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ बोलूं, उनकी वेटिंग अटके, इनके मुकदमे वापस नहीं, उनकी वो पेरी कर रहे हैं और बचके वो अटके, वेटेज नहीं अटे। नहीं भैया, मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मुझे जहां गाली सुननी है तो मैं सुनूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने हमारा सहयोग किया है, उसका मैं धन्यवाद भी दूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार धन्यवाद दूंगा, वो काम करेंगे। और मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी काम नहीं कर रहे और हर बेरोजगार के साथ गलत करे तो सबसे पहले मैं विरोध में आऊंगा। पहले भी आया था, लेकिन वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। आपको जो मुझे चमचा चाटुका जो कहना कहिए, लेकिन ये याद रख लीजिए कि जो आपको भ्रमित कर रहे हैं ना, वो आपके साथ एक दिन भी आने वाले नहीं है। वो फिर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर फिर भी कुछ करने की सोचिए, और उसमें भी सबसे बड़ा आप देख लीजिए, मैंने तो दूसरे दिन अखबार पढ़ा तो उसमें क्या है, युवा मोर्चा ने बेरोजगार दिवस मनाया, तो ये संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेला जा रहा था, किसी के साथ मिलकर ये खेल खेलने वाला। मैं तो अखबार पढ़ा तो समझ में आया कि ये लोग भी इनके साथ जुड़े हुए। हालांकि न मैं कांग्रेस से हूँ, न बीजेपी से, किसी से मैं बेरोजगार के आपका आपका व्यक्ति हूँ, आपकी मेरी पार्टी बेरोजगार पार्टी है, मेरी किसी बीजेपी की दुश्मन नहीं है, न कांग्रेस से, मैं लड़ता हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा इसलिए डाला हूँ, मेरा कोई साथी गुमराह ना हो, एक तो स्क्रीनशॉट के नाम पर, एक कह रहा कि उन्होंने धन्यवाद क्यों दिया। आप सोचिए, आपका रेट का काम हो गया, लेकिन जिन लोगों का काम हुआ है यार, मैं आप मेरे पास आते हो, आप मेरे अलावा कहीं नहीं जाते हो और कहीं आप नहीं जाते हो। मान लीजिए और किसी के पास चले गए, उसने आपका काम किया तो आप उसके खिलाफ बोलोगे क्या? मैं बेरोजगार संघ में अनेक समस्याएं आती, अनेक बातें आती। अब एसआई भर्ती 2016 को लेकर हम भाग रहे कि 227 पर जोड़े जाए, उसमें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। अब धीरे धीरे हमारी जो सूची के लिए हम इतना तड़प रहे थे वो काम हो गया यार। वो मेरी इज्जत का सवाल था, इन्हीं लोगों ने मुझे चैलेंज दिया था, इन्हीं लोगों ने जो खुद की भर्ती का नहीं कर पाया कि हम मान जाएंगे 2018 कर दे। अब जिस इंसान ने मेरा जो 2018 के अभ्यर्थियों को काम किया था, मैं कैसे खिलाफ बोल सकता हूँ, कैसे उनकी सूची को रुकवा सकता हूँ, जो मुझे लगा मेरे दिल ने खा, जो मैंने किया। इसलिए दोस्तों आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा, आज मीडिया के माध्यम से प्रयास किया है, लगातार प्रयास किया, इन लोगों की बातों में नहीं आना है। 9 साल से कार्य किया है, ये 3 साल से कोशिश कर रहे हैं मुझे आप लोगों से दूर करने के, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। ये कामयाब तब हो पाएंगे जो मुझसे अच्छा काम करेंगे, मुझे गिराने में, मुझे फंसाने में, मुझे उलझाने में, इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खुला चैलेंज है, जितनी ताकत लगानी है लगा लो, उपेंद्र यादव का बाल भी पाका नहीं कर पाओगे जब तक प्रदेश के लाखों बेरोजगार साथ है। तुम लोग फर्जी आइडिया बना के लोगों को भ्रमित करके 100-200 कमेंट करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जब लाखों लोग जुड़े हैं ना, ये मेहनत पे, ईमानदारी पे, संघर्ष पे, और विशेषकर आप लोगों से हाथ जोड़कर है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, अरे कम से कम आप रात को बैठिए, 2012 के बाद मेरा जो मेरी फेसबुक को चेक करिए, क्या क्या किया आज तक, इनकी फेसबुक को चेक करिए, पता लग जाएगा इन्होंने कॉपी की है, हमने लाठियां खाई है, मुफ्त में खाई है, जेल गया, लोगों को रोजगार दिलाया है। सबसे बड़ा उदाहरण सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 देख लीजिए, कोरोना में बीकानेर जाके 9322 लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। आरपीएस एलडीसी 223 को कृषि परीक्षा महिला सुपरवाइजर प्रयोगशाला सहायक जो कोर्ट से निकलवा कर आपके सामने है, और जो 587 पद जुड़े उन लोगों को पूछ ले, वो भी लाइव देखे कि उपेंद्र यादव ने कितनी मदद की है, हर चीज में उनकी मदद की, आज उनकी भी सूची जारी हो। वेटेज के लिए हम जेल जाके आए थे, वेटेज के लिए। और दूसरी बात, जो रीट की 30,000 पदों की घोषणा हुई थी ना, वो भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम लगातार मांग कर रहे थे, और शिक्षा मंत्री जी से जिस दिन घोषणा हुई थी हमारी मुलाकात हुई थी, मैं धन्यवाद देकर आया था। 30,000 पदों के लिए भी हमने मांग की थी कि जल्द से जल्द घोषणा की जाए, और उसकी घोषणा हुई थी, और वेटेज की विसंगतियों की समाप्ति की बात हुई थी। जहां जहां आवश्यकता पड़ी, अरे जहां डेमो क्लासेस की आवश्यकता पड़ी, जो इंटरव्यू की, जो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति आई, हमने विरोध किया, और माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री ज्ञापन दिया। शिक्षा मंत्री का रेस्पॉन्स था कि राजस्थान में हम लागू नहीं करेंगे। उस समय आप लोग तड़प गए थे, बोले कि नहीं, इंटरव्यू लागू होगा, डेमोक्रेसी लागू होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उन्होंने हमारी मांग तुरंत मान ली। आप दिल पे हाथ रखिए कि जो मांग हमारी मांग रहे, तो कैसे खिलाफ बोल जाऊं बताओ? इंटरव्यू डेमोक्रेसी से हमें नुकसान नहीं था, केंद्र सरकार ने लागू किया, हम केंद्र सरकार के
कि जो उनके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और लोगों से मिलकर ज्ञापन दिया आंदोलन की चेतावनी, सबसे पहले आपको खतरा आया तो, और उन्होंने हमारी बात मानी और एक लेटर भी जारी हुआ था, आपने देखा होगा, शिक्षा विभाग से। वो किसके पक्ष में फैसला था? राज्य सरकार के, आपके पक्ष में, वेटेज कम होने वाले आपके पक्ष में, अधिकतर पैसे आपके पक्ष में करवा रहे हैं। हाँ, मुझे लगेगा कि हाँ बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं सुन रहे, तो मैं बिना कहे विरोध में मैं उतर जाऊंगा, आपके लिए जान दे दूंगा। मैंने आज तक, अरे 9 साल हो गई अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर, मैंने 9 साल आप लोगों को दिया है। आप जब फुर्सत में मेरा यूट्यूब और मेरे फेसबुक चेक करोगे ना, 2012 के बाद, 13 के बाद, उस पर हर अपडेट आएगी। आज मैं क्या कर रहा हूँ, कल क्या क्या, हर चीज में मैं डालता हूँ, आप देख लीजिए, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। ये लोग कहीं थे ही नहीं, ये लोग केवल गुमराह करते हैं, केवल आप लोगों को फोन कर करके आपसे गलत कमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि एक बार फिर भी हम ट्विटर वार करेंगे, इनको ये बदनाम करेंगे, इसलिए ये करेंगे, हम ये करेंगे। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान के आशीर्वाद से आप लोगों का, जो आप लोगों का विश्वास है, मान सम्मान है, मैं बहुत खुश हूँ। इन छछूंदरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, न इनमें दम है सामने आके बात करने की, ये केवल पीछे से आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये पहले भी कई बढ़ती उमाए थे, लेकिन लड़कों ने इनको धरने से, बीकानेर से भगा दिया था, हर जगह से इनको भगाया गया है। तो ये लोग मौका देखते, इस बार इनको मौका मिल गया कि तो वो स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया, देखो वो जिंदाबाद बोले, ये नहीं देखा कि 10,029 परिवारों के लिए, उनके लिए वो अच्छा काम करते, उनके लिए बोला है, वो चीज़ आपको नहीं बताई। इसके अलावा जो बेरोजगार दिवस के लिए मैंने, जब मैंने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है तभी मैंने ट्वीट नहीं किया, इस बार नहीं किया, इस बार क्यों नहीं किया, मुझे काम करवाने हैं। आप लोग जब जब समस्या आती है, LDC भर्ती 2018 की ज्वाइनिंग में जहाँ जहाँ समस्या है ना, मैं खुद उनके लिए जाता था CMO, हर चीज़ में। जब कोर्ट में भर्ती, RS भर्ती 2018, 3 जो अधीनस्थ कोर्ट की भर्ती है, प्रयोगशाला सही कर सकती, ये उलझी तो मैं गया। जो महिला आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स, जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती क्यों नहीं रद्द करते, जब उसके लिए भी निवेदन कर एडवोकेट जनरल साहब को सरकार से करवा। तो जो जो काम आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपकी पैरवी करने जाता हूँ, आपकी बात रखता हूँ, ये नहीं 100% मांगे मान लीजिए, लेकिन 80-90% जो मांगे मानी गई वो मान रहे। तो मैं ऐसी स्थिति में दोस्तों, मुझे आप लोगों के लिए, मैं बोल सकता हूँ मुझे कौन से व्यक्ति का, लेकिन जब मैं खिलाफ बोलूंगा तो वहां आप ही लोगों की मांग नहीं रख पाऊंगा। पिछले सरकार में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से मेरी क्या दुश्मनी थी, मैं एक दो बार मिला था, बहुत ऑन द स्पॉट उन्होंने काम किया था। उसके बाद जैसे जैसे मैं खिलाफ बोलता गया, रिपोर्ट जाती गई, मैं पूरे सीएम मिलना बंद कर दिया कि ये तो विरोधी है। लेकिन हमने संघर्ष किया, वो संघर्ष में हमारी जीत हुई, लेकिन वो संघर्ष लंबा हो गया। आज हम डायरेक्ट मिल रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो जब तक कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास सीधे रखे, जल्द से जल्द करवाने की कोशिश है। अब आपका सवाल, अधिकतर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन दिनों में जो कमेंट कर रहे हैं, रीट 2020 को लेकर, मैं आपकी समस्या समझता हूं। मैं खुद इस बार जब भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, आपकी बात में बड़ी मजबूती के साथ रखूंगा। ये चाहते हैं, तारीख चाहते हैं, कब एग्जाम होगी, ये विज्ञप्ति चाहते हैं, जिससे तैयारी कर सके, कन्फ्यूज की, असमंजस की स्थिति दूर हो सके। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि या तो उन लोग ये कह दें कि आप घर बैठ जाइए, आप बिल्कुल मत बोलिए, हम कर लेंगे, आप उनको भेज दीजिए, कल ही मैं बेरोजगार महासंघ उनको संभला दूंगा, वो करें, जिम्मेदारी ले, मैं बैठ जाऊंगा आराम से, आपका मेरा उद्देश्य है आपका भला, आपके सपने साकार। मैंने कभी किसी भी बेरोजगार के साथ गलत नहीं, हमेशा सुबह शाम ये सोचता हूँ उस बेरोजगार के लिए क्या करूँ। आज मैं यार कल के लिए, आज संडे था, कल के लिए भी मैंने सोच रखा कि कल मुझे वहां जाना, वो लोग आएंगे, 3 डेलीगेशन आएंगे, तीनों डेलीगेशन के साथ मुझे कल जाना है, चाहे SI भर्ती 2016 हो, चाहे व्याख्या था 14% वाला मामला हो, चाहे को, सबके साथ मुझे जाना है, आज से आपको भी जा रहा हूं। हाँ, ये जानता हूं कि हाँ रीट 2020 अधिकतर लोग है, 11 लोग है, लेकिन 11 लाख लोग है, लेकिन मुझे हर बेरोजगार की भर्ती के लिए बोलना पड़ता है, चाहे ऊर्जा विभाग की भर्तियों के मामला हो, चाहे शिक्षा विभाग, चाहे चिकित्सा विभाग, हर व्यक्ति की मांग उठाना पड़ता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक भर्ती का नाम ले दूसरा वाला गाले देने लग जाता है, लेकिन कभी नहीं सोचते किसकी जगह बैठिए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रखिए कि मैं कमेंट तो घर बैठे मैं गाली दे रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी जगह बैठकर तो देखूं, एक दिन आइए मेरी जगह बैठकर देखिए, काम करके देखिए, पता लगेगा। मैं पीछे रहूंगा, पीछे से आपका साथ दूंगा, लेकिन बैठ तो जाइए, पता लगेगा। अंगुली उठाना आसान है, काम करना आसान नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि ऐसा ना हो कि जो आपकी आवाज उठा रहा, जो आपका सुख में, सुख दुख में जो आपका साथ दे रहा है, सुख में तो आप जब नौकरी लग जाए सुखी है, बाद में तो आप 2-2.5 लाख लोगों को ज्वाइनिंग मिली है, बाद में कौन याद करता है, लेकिन दुख में जो आपका साथ दे रहा है कि बाद में वो व्यक्ति भी आपका साथ नहीं दे। इसलिए आप सबसे मेरा ये निवेदन है, इन लोगों से बचकर रहें, कितना ये अभियान चलाएं,
कोशिश ये कर रहा हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की, शिक्षा मंत्री से मिलेगी, रीट 2020 नहीं जो तमाम अन्य और भर्तियाँ हैं जिनके लगातार हम भागते हैं, और इसके अलावा यदि हमें लगता है कि हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही, अधिकारी और मंत्री लापरवाही कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री सुने, तो हम लोग सब मिलकर हजारों की संख्या में जैसी सामान्य स्थिति होती है, जैसे हमें परमिशन मिलती है, बिना परमिशन नहीं कि मतलब हम लोग इकट्ठे होंगे माननीय मुख्यमंत्री का हमारी बात पूछाने के लिए कि वही हजारों लोग है जो आपको समर्थन दिया था। तो वो बात की बात है, पहले शांतिपूर्वक अपनी बात पूछाना, वहां तक माननीय मुख्यमंत्री की बात पूछाना आपने। अरे यार कम से कम आप देखोगे तभी तो जानोगे ना, हम चिल्ला चिल्ला के बीजेपी सरकार में मैं खुद बोलने वाला था भर्तियों की मॉनिटरिंग हो, मॉनिटरिंग और माननीय मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने मांग की थी यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी की परीक्षा प्रणाली मजबूत हो, सीएम साहब ने निर्देश दिए, हर मांग हम लगातार करते आ रहे हैं, हर जगह आपकी बात रखते आ रहे थे। इसलिए दोस्तों मैं निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा सा संयम रखे, सोचे समझे जाने परखे, उसके बाद आप निर्णय ले। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सब लोग आज तक का मेरे फेसबुक यूट्यूब देखे, जो भी वीडियो पोस्ट डाली है, और उसके बाद आप निर्णय ले कि मैं गलत हूं तो आप लिखिए, आप गलत हो तो मैं कभी भी आपके बीच में दोबारा नहीं आऊंगा, आप जांचे परखे उसके बाद जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि जो लोग उठ के आगे आपको गुमराह करें उनकी बातों पर आप ध्यान दे पा रहे। नरसिंह भर्ती 2013 की मेरी बहनों को कहना चाहूंगा कि मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, एक दो एमएलए से मैं मिल के आया था, आज फिर शाम को मिल के आऊंगा, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आपकी पीड़ा पता है। एक बार वार्ता, कोरोना चल रहा है, कोरोना आपको पता है कुछ कर भी नहीं सकते, वही एलडीसी पंचायत 2013 के जो 10029 पद हैं, आप भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आपकी बात मजबूती से रखी है, आपकी भर्ती बचेगी, आपको सब आपके सपने भी साकार होंगे, मैं मेरी आपकी बात मजबूती से रख चुका हूँ, आप सबको पता, आपके अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे प्रतिनिधिमंडल, और जो रेस्पॉन्स मिला उन लोगों ने आपको बता दिया होगा कि आपकी भर्ती में कोई अधिकतर अधिकारी उसमें खिलाफ थे एक तरफ से, उसमें रुचि नहीं लेके माननीय शिक्षा मंत्री ने आपका पक्ष लिया और आपकी भर्ती को बचाया है। इसलिए मैं फिर प्रयास करूंगा आपकी भर्ती जल्द से जल्द हो, रीट 2018 को लेकर, क्योंकि जब तक आचार संहिता है जब तक आपकी एक और सूची जारी नहीं होगी, इसलिए ना सोचे कि मैं बार बार कमेंट नहीं करा तो भूल गया, नहीं, एक बार वो जो कार्य विभाग वाली फाइल है उसके लिए भी मैं कोशिश कर लूंगा, लेकिन आचार संहिता के बाद ही आपकी एक और सूची जारी होगी, मुझे पता है कब क्या करना है, बिना कहे मैं लग जाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। इसके अलावा दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि कम से कम दुख इस बात का होता है कि कुछ लोग सच्चाई बिना जाने कमेंट करते, समझिए सोचिए। फिर मिलूंगा आपको मैं नई वीडियो के साथ, लेकिन इतना कहना चाहूंगा सच्चाई का साथ दें और जो गलत है उसका विरोध करें, सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत।